हेलो फ्रेंड, देखिए मेरे पास आज डीटीएच रिसीवर है जो कि हमारा डेड कंडीशन में। इसको मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा किस प्रकार से इसको रिपेयर किया जाएगा। तो देखिए मैंने नेट वगैरह सब कुछ ओपन कर लिया। देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है, जिसके बाद हम इस पावर सप्लाई में हमको ये सभी जो डायोड लगे उनको सबसे पहले फर्स्ट ही चेक करना होगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसको पावर दे के दिखाना चाहूँगा कि हमारा इसमें लाइन आता है कि नहीं। चलिए मैं इसको पावर लाइन दे देता हूँ, फिर आपको तो देखिए फ्रेंड मैंने पावर लाइन से कनेक्ट कर दिया। स्विच लाइन से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए मैंने स्विच लाइन से पावर दे दिया, इसके बाद भी हमारा लाइट यहाँ पर नहीं आ रहा। मल्टीमीटर का लीड निकाल कर फिर मैं आपको वोल्टेज। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको मल्टीमीटर पर एसी रेंज पर सिलेक्ट करके यहाँ 750 रेंज एसी पर मैंने मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंटों पर मैं वोल्टेज चेक करूँगा, 240 वोल्ट आ रही है। इनको शॉर्ट करूँगा मैं, क्योंकि मैंने स्विच लैंप से लगाया। आप इस प्रकार शॉर्ट ना कीजिएगा। देखिए स्विच लैंप से लगाया तो मतलब हमारे यहाँ तक पावर केबल इसकी जो लीड है ये हमारी सही है। इसको शॉर्ट करने पर हमारा स्विच लैंप ग्लो कर रहा है और हमारे यहाँ पर वोल्टेज ही पहुँच रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या चेक करना होगा, इसके बाद हमको आउटपुट वोल्टेज चेक करना होगा। तो आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर को 200 रेंज पर डीसी पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद मैं मल्टीमीटर को यहाँ रख देता हूँ। इस प्रकार से मैंने मल्टीमीटर को रख दिया। देखिए मैं ग्राउंड पर मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके द्वारा वोल्टेज चेक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे कितना वोल्टेज है, यहाँ पर हमारा 11 वोल्टेज करीबन मिल रहा है। चलिए हम इसको सबसे पहले मैं इसको ये यहाँ पर हमारा ग्राउंड है। देखिए यहाँ पर हमारे 11 वोल्टेज मिले, जो मैं आपको इसको क्लियर कराता हूँ। यहाँ पर जो हमारे एम्पलीफायर चलाने के लिए हमारे यहाँ पर वोल्टेज जो है, देखिए मल्टीमीटर पर आप ध्यान देंगे, हमारा 11 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हमारे जो इस साइड से यहाँ पर हमारा देखिए सबसे थ्री इस साइड हमारे जो मैं इस प्रकार से कनेक्टर को करने के बाद में इसको यहाँ से देखिए हमारा इस साइड हमारा वोल्टेज जो है 3 वोल्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा 1.8 वोल्ट हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट होगा, इसके बाद हमारा 12 वोल्टेज होगा एक पिन को छोड़ने के बाद। जहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज होना चाहिए वहाँ पर हमारा 7 वोल्ट है। और इसके बाद हमारे यहाँ से 22 से 24 वोल्टेज के जो वोल्टेज होते हैं, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज मिसिंग है, इसीलिए हमारा ये। और इसके बाद फिर से हमारा ग्राउंड है, इसके बाद फिर से हमारा यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर लास्ट वाली पिन यहाँ पर 3 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमारा 1 कुछ वोल्टेज हमारा यहाँ पर आउट कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा 1.82 ऐसा कर रहा है। तो चलिए इस सब बात को हम छोड़ते हुए मैं इसको पावर से डिसकनेक्ट कर दिया हूँ। इसके बाद आप मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यू रेंज पर सिलेक्ट कर दूँगा। मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यू रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमारे दोनों प्रॉप को एक साथ मिलाने पर कंटिन्यूटी आ रही है। सभी डायोड को मैं आपको चेक करके दिखाऊँगा। ये मैं इसको चलिए यहाँ पता कर ले, मैं इसको आप ऐसे रख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर करके दिख पाएगा। सबसे पहले हमारा ये वाला डायोड चेक करेंगे तो हमारा ये डायोड हमारा शॉर्ट नहीं दिखा रहा। देखिए हमारा डायोड जो है शॉर्ट नहीं दिखा रहा, 200 ये हमारा इतना ही रीडिंग देगा। और इसके बाद हमारा जो इसके बगल से डायोड जो लगा हुआ है यहाँ पास, तो ये हमारा डायोड शॉर्टिंग दिखा रहा। देखिए हमारा ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है। देखिए कंटिन्यूटी लगातार बज रही है। प्रॉप को पल्टी करने के बाद भी अगर ये कंटिन्यूटी बजता है तो इसका मतलब हमारा डायोड शॉर्ट है। और दूसरा डायोड को चेक करेंगे तो हमारे देखिए हमारे एक साइड से 400-500 ओम के लगभग रीडिंग आनी चाहिए, दूसरे साइड से हमारी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, अभी हमारा डायोड सही माना जाएगा। तो अभी सर्किट में लगा हुआ है इसलिए हमारी 915 ओम की रीडिंग आ रही। चलिए उसको हम छोड़ते हैं। इसके बाद हम तीसरे चौथे डायोड को ऐसे चेक करेंगे तो हमारे यहाँ पर भी एक साइड से हमारा रीडिंग आ रहा 523-24 ऐसे है। उसके बाद हमारा पलट कर लगाने पर 1000 आके चला जा रहा, मतलब हमारा डायोड सही है। इसके बाद और डायोड को इसको चेक करेंगे तो हमारा ये डायोड भी शॉर्ट ये देखिए हमारा नहीं दिखा रहा। तो अभी हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना, इस डायोड को हमको यहाँ से निकालना होगा। तो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी सिंपल सा एक पिन को इसको ओपन कर लूँगा, मैं इसके एक पिन को काट दूँगा। एक पिन को काटने के बाद सर्किट से एक पिन को ओपन करने के बाद फिर हम डायोड को चेक करेंगे कि हमारा डायोड सही है या ख़राब है। ये पिन को मैं इस साइड लगा लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे लगा लेता हूँ। देखिए हमारा बीप कर रहा, मतलब बजर बज रहा है, इसका मतलब हमारा डायोड शॉर्ट है। अब इस डायोड को हमने एक साइड से ओपन कर दिया, इसके बाद मैं वोल्टेज को आपको चेकिंग करवाऊँगा। अभी देखिए मैं मल्टीमीटर को 200 रेंज डीसी पर मैंने मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद देखिए मैं यहाँ से फिर से पावर दे देता हूँ। मैंने पावर दे दिया, इसके बाद देखिए हमारा डीटीएच ऑन हो चुका है, क्योंकि हमारा वो जो डायोड था वो शॉर्ट हो गया था इसीलिए हमारा डीटीएच ऑन नहीं हो रहा था। अभी हमारा डीटीएच पूरा ऑन तो हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा डीटीएच अभी ऐसा काम नहीं करेगा।
सबसे पहले मैं इसके वोल्टेज चेक करूँगा। देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारे एम्पलीफायर सेक्शन को चलाने के लिए हमारे यहाँ पर वोल्टेज आ रहे थे वो कि हमारे यहाँ पर 11 वोल्ट थे, लो थे शॉर्टिंग कॉलेजेस, तो हमारे यहाँ पर 15 वोल्टेज हो चुके हैं। इस साइड का जो हमारा ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ हमारा जो है 3.3 वोल्ट आना चाहिए था जो कि हमारे 3.5 वोल्ट के लगभग वोल्टेज पहुँच चुका है। इसके जस्ट बाद मैं आपको इसकी लिस्ट दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट, उसके बाद देखिए मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाना चाहूँगा। इस साइड हमारा वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट है ये वाली पिन पर, ये लास्ट वाली पिन पर यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट है। इसके बाद हमारा दूसरा वाला पिन जो ग्राउंड है, इसके बाद हमारे यहाँ पर 12-15 वोल्टेज 22 वोल्ट हो सकती है। चलिए यहाँ पर हमारे वोल्टेज इसीलिए मिसिंग है क्योंकि हमारा डाइवोल्ट अभी ये नहीं लगा। इसके बाद दूसरे सप्लाई चेक करेंगे तो देखिए एक हमारा यहाँ पर 3.3 वोल्ट है, इसके बाद हमारा ग्राउंड है, इसके बाद हमारे यहाँ पर 22 वोल्ट होना चाहिए, 12 वोल्ट होना चाहिए जो कि हमारा 12 वोल्ट मिसिंग है, डाइवोल्ट शॉर्ट है इसलिए हमने उसको ओपन कर दिया। यहाँ पर हमारी 24 वोल्ट की जगह पर 23 वोल्ट मिले, एकदम करेक्ट वोल्टेज सप्लाई है। इसके बाद हमारे यहाँ पर एक पिन को, ये पिन हमारा जो एक पिन है ग्राउंड है, यहाँ से हमारा सबसे लास्ट वाला जो पिन होता है वो हमारा 5 वोल्ट के लिए, तो 5 वोल्ट हमारा वहाँ पर एकदम बराबर आ चुका था। अभी हमको सिंपल से क्या करना होगा, इसी डाइवोल्ट को लगाना होगा। तो चलिए मैं डाइवोल्ट ले लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इस सप्लाई को सबसे पहले ओपन करना होगा, तो चलिए मैं अपने बहन को मोबाइल पकड़ा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको ओपन करना होगा। इसमें देखिए लॉक है, लॉक को आपको किस प्रकार से प्रेस करना होगा, तो इसको इस प्रकार से प्रेस करना होगा और दोनों साइड से प्रेस करने के बाद आपको सप्लाई हल्के तरीके से उठाना होगा, जैसे कि मैं उठा रहा हूँ। सभी लॉक को आपको प्रेस करके उठाना होगा, तो आपको इसी प्रकार से निकालना होगा। चलिए मैं इसको निकाल, तो देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो हमारे वोल्टेज है, मैं आपको वोल्टेज को क्लियर तो नहीं कर पाया था पहले, लेकिन मैं इसीलिए आपको वोल्टेज दिखाना चाहूँगा। ये देखिए हमारा, मैं इसके फ्लैश लाइट को कर देता हूँ ऑन, उसके बाद आपके वोल्टेज जो है आपका शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 5 वोल्टेज जो आउट कर रहा था, उसके बाद हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट होता, उसके बाद हमारा यहाँ पर 24 वोल्टेज हमारा कि, तो अभी 24 की जगह पर हमको 30 वोल्टेज मिल रहा था, एकदम करेक्ट वोल्टेज है, कोई भी 1-2 वोल्ट कम ज़्यादा होता रहता है। उसके बाद हमारा जस्ट 12 वोल्ट आउट करता है, तो हमारा 12 वोल्ट का डाइवोल्ट शॉर्ट हो गया था। तो देखिए हमारी 12 वोल्ट की लाइन भी आपको ट्रैक कराऊंगा। इसके बाद हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट, मतलब ग्राउंड वाला, और उसके बाद हमारे यहाँ पास 3.3 वोल्ट हमारा आउट करता है, 3.3 वोल्ट भी आउट कर रहा है। और उस डाइवोल्ट को हमने काटने के बाद, देखिए एक डाइवोल्ट को मैंने पिन को ओपन कर दिया, जिससे कि हमारे सर्किट का जो शॉर्टिंग बना रहा था वो शॉर्टिंग खत्म हो गया। तो अभी देखिए हमारा जो ये वाला इस साइड का डाइवोल्ट, ये डाइवोल्ट देखिए हमारा ये 12 वोल्ट लाइन का डाइवोल्ट है। ये लाइन को मैं कैसे ट्रैक करूँगा, देखिए यहाँ से हमारा एक डाइवोल्ट लगने के बाद हमारा यहाँ से लाइन चलते हुए, देखिए यहाँ से आते हुए यहाँ पर आ रहा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको काउंट करेंगे, 1, 2, 3 नंबर पर हमारे 12 वोल्ट का लाइन है, तो इसीलिए मतलब हमारा 12 वोल्ट का डाइवोल्ट ये ख़राब हो चुका था। तो इसी जगह पर आप 207 नंबर का डाइवोल्ट भी उपयोग कर सकते हैं, और आपके अगर आपके पास कोई पुरानी सर्किट है तो आप उससे भी लगा सकते हैं, 207 नंबर का भी आप डाइवोल्ट लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जिसके पास नहीं तो कोई पुराने सर्किट से भी निकाल कर लगा सकता है, तो मैं इसीलिए पुराने सर्किट से निकाल कर लगा दूंगा। देखिए हमने डाइवोर्ट को ओपन कर दिया है, आप इस प्रकार से जो डाइवोर्ट शॉर्टिंग है उस डाइवोर्ट को काट देंगे, तो उसके बाद हमारा डीटीएच ऑन होगा। लेकिन जैसे क्या हो सकता है, इसमें हमारा सिग्नल आता लेकिन साउंड नहीं आता, साउंड की समस्या बन जाती है, क्योंकि हमारा 12-15 वोल्टेज जो हमारी सप्लाई जाती है हमारे साउंड आईसी को जाती है, जो कि हमारे 45 घंटा में आईसी लगी होती है साउंड के लिए, साउंड हमारा आउट नहीं करता, मेन दिक्कत हमारी ये बन सकती थी, इसलिए हमको डाइवोर्ट लगाना ज़रूरी होगा। इसके बाद मैं आपको चेकिंग करके भी, तो देखिए फ्रेंड मेरे पास 207 नंबर का डाइवोर्ट है, इसका नंबर जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, देखिए 207 नंबर का डाइवोर्ट है, 1.5-2 एम्पीयर का डाइवोर्ट रहता है, इसको मैं लगा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगी। आपको ध्यान देना होगा जो व्हाइट कलर की पट्टी है हमारे प्लस वाला चिन्ह होता है, तो आपको जिस साइड में व्हाइट कलर की पट्टी दिखेगी उस साइड का प्लस वाला व्हाइट कलर की पट्टी आपको मिलाकर लगा, जैसे इस साइड व्हाइट कलर पट्टी है तो मैं इस साइड व्हाइट कलर पट्टी रखूँगा, इसी प्रकार से आपको डाइवोर्ट लगा। चलिए मैं डाइवोर्ट को लगा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं इसको यहाँ पर सोल्डिंग किए देता हूँ, देखिए इसका जो प्रिंट है डैमेज हो चुका था, तो इसलिए हमने स्क्रैच करके यहीं प्रिंट को अब यहीं पर मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। आपको उसी ट्रैक को स्क्रैच करके और सोल्डिंग कर देना होगा, तो आपका जो ये ट्रैक ख़राब हो चुका था तो दोबारा ट्रैक काम कर जाएगा। देखिए हमने इसको इस प्रकार से सोल्डिंग कर दिया है, और इसके बाद हमको चेक करना होगा इसके वोल्टेज। चलिए मैं इसको पीसीबी को पूरा सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद वोल्ट चलिए हो गया, मैं ऐसे एक बार चालू करके चलिए, लेकिन मैं इसको सेटिंग करके फिर आपको वोल्टेज चेक करवा देता। तो देखिए फ्रेंड मैंने इसको सर्किट को इस पर इंस्टॉलिंग कर दिया है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा, तो मैं चलिए इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने सर्किट को इसको इंस्टॉलिंग कर लिया, इंस्टॉलिंग करने के बाद आपको जो कटी वाले भाग हैं इसको पट्टी की इस साइड रखना होगा, जिस साइड हमारी ये
जो पट्टी है इस साइड है, तो ऐसे लगाना होगा आपको, इस प्रकार से लगाना होगा। जिस प्रकार से आप जैक को ओपन करेंगे उसी प्रकार से आपको जैक को लगा देना होगा। चलिए मैं बहन को फ़ोन दे देता हूँ, इसके बाद मैं इसको यहाँ से पावर दे देता हूँ, इसके बाद हमारा ये जो है सेटअप बॉक्स फिर से फाइनली ऑन हो जाएगा। और मैंने जो डाइवोर्ट का नंबर मैंने ध्यान करके नहीं देखा और 207 नंबर डाइवोर्ट लगा दिया आगे बंद करके, ऐसे मतलब आप डाइवोर्ट लगा सकते हैं। देखिए हमारा रिसीवर पूरी तरह से ऑन हो चुका है, इसके बाद मैं आपको जो यहाँ पर इस लीड को ग्राउंड को ग्राउंड पर यहाँ पर अटैचमेंट करने के बाद मैं आपको वोल्टेज को मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने मल्टीमीटर ले लिया, देखिए हमारे यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर ये जैक इस वाले पॉइंट पर हमारे यहाँ पर 3.23 ऐसे वोल्टेज आ रहा है, 3.3 वोल्टेज हमारे यहाँ पर आ रहा है एकदम करेक्ट वोल्टेज। इसकी जगह पर हमारा दूसरे ग्राउंड वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर हमारा जो है 16, जो हमारी 12 वोल्ट की लाइन है वहाँ पर 17 वोल्ट से आता है, ठीक है। जो हमारी 24 वोल्ट की लाइन होगी वहाँ पर हमारा 23 वोल्ट आ रहा है, ओके कोई बात नहीं है। इसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट ग्राउंड होगा, इसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट जो है 5 वोल्ट का होगा, जो कि हमारा 5.1 वोल्टेज एकदम करेक्ट वोल्टेज आ रहा है। चलिए मैं इसको पूरा पैक, चलिए मैं ऐसे ही सबसे पहले आपको क्या करूँगा, डीटीएच के साथ टीवी के साथ कनेक्ट करके चैनल चला कर फिर आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको कन्फर्म हो जाए कि हमारा रिसीवर परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड मैंने इसको यहाँ पर फिटिंग कर दिया है, देखिए मैंने इसके केबल वगैरह सब कुछ एंटीना लीड और सभी कुछ इसमें कनेक्ट कर दिया है। सप्लाई भी आपको दिखाना चाहूँगा, जिसको हमने रिपेयर किया था थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन देखिए जिस सप्लाई को हमने रिपेयर किया था वही मैं इसके लाइट बंद कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए मैं इसके लाइट को कर दिया हुआ, और देखिए जो हमारे हमने जिसको डीटीएच को रिपेयर किया था हमारा वही वाला डीटीएच है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा डीटीएच जो है हमारा पूरा परफेक्टली वर्क कर रहा है, और इसमें मैं आपको सिग्नल भी क्लियर करवाना चाहूँगा। देखिए हमारा सिग्नल जो है, सिग्नल भी हमारा सही आ रहा है, देखिए हमारा सिग्नल भी सही आ रहा है, इसके बाद हमारा चल भी रहा, देखिए हमारा एकदम परफेक्टली चल रहा, थोड़ा सा कैमरे की वजह से ब्लर हो रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें, इस प्रकार वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो को।